सजनो जब वो शरण देनी कह लागिरी मां के कौन के मैं तेरी शरण दे के शरण है तू है के हां ये तो नहीं भेष क्यों बनाया के मां मैं अपने मकसद में कामयाब होना चाहती हूँ, राजा भविष्य अपने पैर धुलवाना चाहती हूँ। क्या तेरे पे पहचानी नहीं गई कि ना बेटी मैं कोई ना पहचान पाई कि फिर माँ मना आशीर्वाद दे के मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं कि जा बेटी तू मैं तेरे को आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने मकसद में कामयाब हो। सजनो इधर वह शरण दे बाबा जी के भेष में राजा भोज के राज में पहुंच जाती है और एक नंबरदार उसको मिला जो राजा भोज का खास आदमी था। सपेरे के हाँ के तू तो नया नया दिखता है, इससे पहले तो ना देखा इस शहर के अंदर, के नाम में नया ही आया हूँ। अच्छा क्या करते हो? के बीन बजाता हूँ। के बजा के दिखा किसी बीन बजाई, इतनी सुथरी बीन बजाई। वो नंबरदार न्यू कह ला के सपेरे के हाँ के चाल आज तेरा प्रोग्राम इसी जगह करवाऊंगा के धक्के खाने की जरूरत नहीं, मौज करा करिए। कड़ा करावागा राजा भोज के राज में दरबार में, राजा भोज के दरबार में उस सपेरे को जो शरण दे के भेष में थी उसको ले जाता है। महाराज ये सपेरा बहुत अच्छी बीन जानता है। नुबलेरा लंबरदार कित ठाला राजा भोज ने जब उस शरण दे को बाबा के भेष में देखा वो भी नहीं पहचान पाया कि यह शरण दे है, मोहित हो गया, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। नु बोला के सपेरे अपनी बीन बजा के दिखाओ। जो ही बीन बजाई बताते हैं कि एकदम से जब बीन बजानी खत्म हुई वो सपेरा एकदम से जमीन पर गिर जाता है कि महाराज मैं तो सारा जल गया, मेरा शरीर जल गया, मेरे पैर जल गए। कैसा क्या हो गया कि मैं जब भी किसी बड़ी जगह पर बीन बजाता हूँ मेरे शरीर में अग्नि पैदा हो जाती है, मेरा शरीर जलने लग जाता है। क्या अच्छा अब इसका कोई इलाज? कि महाराज इलाज तो है पर आप नहीं कर पाओगे। तेरा ऐसा ये बात होगी मेरे राज के अंदर एक से एक वैद्य डॉक्टर हैं, जिसने कहेगा उसने बुलाऊं। कि वैद्य डॉक्टर का काम नहीं कोर के महाराज के हाँ के जिसके सर पे ताज रखा जाता हो वो है आदमी कच्चे मटके में पानी घाल के लावे और मेरे शरीर पर डाले तो ये आग ये अग्नि बुझ सकती है। ओहो वचन भर लिए। राजा ने कहा कि भाई ठीक है मैं तेरे को वचन देता हूं जैसा तू कहेगा, लेकिन एक बात तेरी समझ में नहीं आई के कि कच्चे मटके में पानी कैसे आवेगा, वो तो पानी घालती टूट जाएगा। कि महाराज बस देख ले तेरी मर्जी है, इलाज तो यो है कच्चे मटके में पानी मंगाया। अब सजनो वो पानी तो कच्चा मटका था, वो तो फूटना था, पानी में गल जाता है। अब कुछ ठीक रहे में कुछ पानी भरा हुआ था। राजा भोज न्यू कह लाग गए बाबा जी ला तेरे शरीर पे इसने गिर ले तेरी तपत बुझ जागी। और कैसे एक बात के द्वारा क्या कहता है क्या बता दिया भलाई
जी मन पानी घल बाबा जी मन पानी घल यू कच्चा मटका गल गया मित्तल साहब शोर पेशे मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री अजमेर दलाल साहब तीनों पार्टियों के 600 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बहुत बड़े दानी श्री कुलदीप लोहान साहब बहुत बड़ा दान किया और कल से ही सभी कलाकारों का मान सम्मान भी कर रहे हैं, 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं कुलदीप लोहान जी, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। पानी कोने आवे ईशा करनू पक्के मटके में पानी मंगा दू वो तेरे शरीर पे डाला जाएगा के ना महाराज ईशा कोन्या उससे काम नहीं चलेगा कोर के पानी तो कच्चे मटके में ही लाना पड़ेगा के अच्छा के भाई मैं बंधा हुआ हूं तेरे वचना के अंदर मने तू जो भी कहेगा वो ही करना पड़ेगा कैसे तीसरी गली में क्या बता ये जो कह देगा वो कर दू जो कह देगा पानी
ठेकेदार जी और हमारे आदरणीय रणदीप लोहान जी 100-100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री रामफल सरपंच साहब 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। राजा भोज अपने वचन में बंधा हुआ था, जैसा वो भी नहीं समझ पाया कि यह सपेरे के भेष में वह शरण दे है, कैसे आखिरी में क्या बता दिया व्यास जी ने। अरे जो कह देगा कह देगा वो कर दूंगा ना पापा जी, रोहिए तू बापा जी, आज तेरे पांत धोने पड़ेंगे क्योंकि वचन में बंधा हूं। अरे मड़ मड़ के तेरे पांत धो दूं, मड़ मड़ के तेरे पांत धो दूं, और कैसे कर बुराई की बोल मेरे, ये बोल मेरे, तू पांत धोवे मैं वह शरण दे लाई की। जोरदार तालियां सरोज सडोली की पार्टी के नाम की।